अमृतसर के सुल्तानमिंड पिंड की एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, जिस विच एक नौजवान बड़ी बुरी तरह मारिया कुटिया जा रहा है। जिस व्यक्ति वालों ये कानूनी हरकत को अंजाम दिता गया वह वीर साडे नाल मौजूद है। गलबात भी करांगे तो जानने की भी कोशिश करांगे कि कारण की रहा, क्योंकि इन्ना गुस्सा किस तरह उस वीर के सिर पर चढ़ के बोल रहा है। वह वीर साडे नाल मौजूद है। वीर जी की नाम है तुहाडा? पहला वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू की फतेह। सर मेरा नाम जी अमरीक सिंह सोनू। सोनू जी, एड्डी बुरी तरह नाल तुसीं उस नौजवान नूं कुट रहे हो, कारण की सीगा इस पिछे? सर कारण यह सीगा, एक महीना पहला मेरा इन्हां दे घरे मैं गया सीगा, नशा वेचदे ने। मैं इन्हां नूं कहा भी तुसीं नशा ना वेचो, मेरे भरा छोटा नूं नशा नुशा दिंदे आ प्रिंस नूं जी, ठीक है जी। तो मैं इन्हां नूं कहा कि तुसीं जिहड़ी भी कोई गलबात हैगी आ तुसीं मैनूं दस्सो, मैं प्रिंस नूं आपे समझा लांगा, ठीक है जी। कहिंदे नहीं अहीं जो करना कर ला, साडा तां काम इहो अहीं तो रोटी खाने नशा वेच के ही, ठीक है जी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, तुसीं प्रिंस नूं दो भरावा होर जो मर्जी करो, मेरा भरा तो बचन दो, मैं फिर नहीं हटदे तुसीं दे। तो कहिंदे नहीं तुहाडा विच की रोह पाई आए, मैनूं इन्हां ने सीधा ही धक्का मारिया, मेरी पग लाती, मेरे सिर च कड़े मारे। आ जे सर उहदा कड़ा उहदे भरा काके दा, ठीक है जी, इह कड़ा उहदे कोल मैं खोया। जे नहीं जे मेरे को कड़ा ना खोया जांदा तां उहनां नूं मैनूं दस्सो उहदा सिर पड़न दी जगह मैनूं मार भी दिंदे, ठीक है जी। इन्हां ने उस दिन मेरी पग रख ली अपने घर। तो उस तो बाद मैं प्रशासन को भी गया, थाने बी डिवीजन हरजीत एस आई साहब को गया। मैं उन्होंने कहा मैं भाजी मेरा ना कोई मसला नहीं है, सिर्फ मेरी पग दवा दो तो मेरे इन्हों ओके रिपोर्ट है, मैं कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा हरजीत भाई ने भी कहा भी सोनू की पग दे दो, उन्हें कहा साढ़े को पग नहीं हैगी जी, ठीक है। उस तो बाद आप गल करते चलो ठीक है जी, नहीं हैगी तो ओके जी। उस तो बाद सर इन्होंने लोगों को कहा भी सोनू की पग साढ़े को जरूरत हैगी तो लै जे, जे अपने प्यो का लै जे। तो मैं इन्हों फिर यही कहा, मैं कहा मेरा भरा लोगों को ना कहो तो ना धमकिया लाओ, मेरी पग दे दो चुप चुपीता ही, सीधी गल तुहाडी मेरी जाति दुश्मनी तो है ही कोई नहीं है, ठीक है जी। उस तो बाद इन्होंने कहा नहीं जे जरूरत हैगी तो आ जी, मैं ग्राउंड बैठा हूँ जी, उत्थे ही पग होंगी मेरे नाल, ठीक है जी। मैनू सर पता लगा ग्राउंड बैठा गुरमीत सिंह, ठीक है जी। मैं गुरमीत को गया, मैं उत्थे गया पग दे, ठीक है। कहिंदा पग रखी है घरे, जे जरूरत हुई जा काके को ले ली काके को पागी, ठीक है जी। तो सर मैनू उस टाइम तो मेरा जनून जरा कंट्रोल चो बाहर हो गया दिमाग का, मेरी एक महीना हो गया, मैं नींद नहीं आ रही थी कि मेरी पग कितने गई दसो पहला। तो मैनू कह रहे पग साडे घरे पई, जरूरत हुई लै जी, ठीक है जी। ये मैनू नहीं पता चर्च नूं मनन करके ये झूठियां सौं भी खाई जो बाबा दीप सिंह दियां, ठीक है जी। पर चर्च तो ये नहीं कहिंदे चर्च वाले भी झूठियां सौं खाओ जां सरदारां दी बेअदबी करो, ठीक है जी। नशा भी बेच दे तो मेरी पग मेरी दवाई जावे सर, तो मेरी उस तो बाद जिस तरह कहोगे उस तरह मैं जिते को गिरफ्तारी दे दूंगा। जिहड़ी धारा इन्हां लगती आ पग लाउण दी बेअदबी करन दी उह तां लाई जावे, जिहड़ी मेरे सट्टां मारन दी लगती आ उह मेरे ते कीती जावे, ठीक है जी। सर तुहानूं लगा नहीं तुसीं वीडियो वायरल करदे पे, उह वीडियो तुहाडी बेटी तक भी पहुँच सकदी, तुहाडे बेटे तक भी पहुँच सकदी, जिदां तुसीं उहनूं बिल्कुल अलफ नंगा कर दिता, तुहानूं उह नहीं लगा कि मेरी आ वीडियो किसे तक भी पहुँच सकदी? सर जिस तों मेरे जदों मेरे दिमाग ते जनून सीगा मैनूं यही आ रहा सी भी मेरा सिर नंगा कीता, मैं नंगा तों भैड़ा हो गया सीगा, सिर इहो चीज़ है ताज, ठीक है जी। कपड़े लाउणा बंदा नंगा हुंदा, इज्जत तों वध कोई चीज़ नहीं हुंदी जे, ठीक है जी। मेरी इज्जत मेरा सिर ते मेरे पग ते मेरा ताज ही जे। मेरे गुरु महाराज यही कहिंदे, उन्हां ने सिख कौम दे करके सिक्खी वास्ते ही सारा परिवार वारता जी, ठीक है। तो ही तो सब अपनी पग छड़ दी, इहो जे गंदे बंदे नूं एक नशा वेचदे आ, ठीक है जी। बस मेरी प्रशासन नूं इहो मंग आ भी मेरी पग दवाई जावे सर, ठीक है जी। सिख जथेबंदियां जिहड़ी मेरी हैल्प करनी चाहुंदियां वा, मेरा नंबर नोट किया जावे सर, 9914044590। सोनू मेरा नाम जे, ठीक है जी। जितों मर्जी मैनूं संपर्क करो, 24 घंटे मेरा फोन चलता सर, जिहड़ा मेरे नूं दिलों सपोर्ट करना चाहुंदा वा, ठीक है जी। कमेंट विच भी जिस तरह मर्जी मैनूं दस सकदा भी हाँ जी सोनू गलत किया सही किया, जिहड़ा कोई गलत किया वह भी मैनूं दस, जिहड़ा कोई सही किया तो सारे दस देण भी मैं गलत किया नहीं। सर सोनू जी जनून किस तरह दिमाग च चढ़ गया, क्योंकि लगातार ही तुसीं कह रहे हो कि एक महीने का वाकया हो गया वा, एक महीना फिर तुसीं वेट करते रहे सी? सर मैं वेट नहीं करता रहा, मैं सारी रात सौंदा नहीं हुंदा हाँ, ठीक है जी। मेरे दिमाग ते यही टेंशन हुंदी सी भी मेरी पग लग लगती सर, मैं एक महीना इन्हां दी गली विच नहीं वड़िया, ठीक है जी। क्योंकि भी कहिंदे सीगे कि पग पुग लग रखी है, हाँ जी जी गली च भी कहिंदे सीगे, मेरी उत्थे महीना पहलां भी गली कैमरे लगे उत्थों मेरी पग लत्थी की भी होता आई होता गली कोई दवे ना दवे, पर महीना पहले की गल जे। बस यही मेरी रिक्वेस्ट जे भी ये मेरी पग सर बहुत ज्यादा
जरूरी जे एक मेरे दशम पाद का निशानी जे, एक मेरे प्यो की निशानी जे, ठीक है जी। बाकी मेरी ना कोई जाति दुश्मनी कोई नहीं जे। सिर मेरी पग का मसला, मेरी पग दवाई जाए। प्रशासन में मांग करता वा भी मेरी पग का इंसाफ जल्दी जल्दी दवाया जाए। इन्होंने मेरी पग मैनू पूरे महल चो भी दसिया, तो मैं आप देखा इन्होंने मेरी पग में पैर रोलन की कोशिश की, ठीक है जी। तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा जनून तद करके आया जे कि मेरे दिमाग से महीना हो गया नींद ता नहीं आ रही थी। मैं रोज़ सोचता हाँ मेरी पग का, तो मैं सर महीना हो गया उधरला महला ही छड़ता से इन्हों का भी मैनू शर्म आँदी। सारे कहते सोनू पग लवा के बह गया अपनी, ठीक है। तो चकादी बंद गल आते सर मेरे च बंद गल, फिर मेरे दिमाग उ घूमी गई। एक दिन मारा बाबा दीप सिंह ना, मैं सारी रात 12 बजे तो लैके 3 बजे तक सर मैं जागता रहा। मेरे मन च मैं बाबा दीप सिंह जी दसो पहला मैं तुम्हें इन्ना मानता, तो मेरा हाल दसो की होगा। तो मेरे मन च यो गल, तो अगले दिन बाबा दीप सिंह ने यहोजी बंत बनाई भी मैनू कि अचानक ग्राउंड से फोन आ गया, कहिंदे भाजी आ बंदा ताड़ी पग दे गल फेर कर रहा है, कहिंदा मेरे को पग हैगी आ, जिथे जो करा सोनू कर लवे, ठीक है जी। उस तो बाद जो भरा काके का भरा गुरमीत का, काका भी है भरा गुरमीत का, ठीक है जी। वह भी कहिंदा लै जो करना कर ली, मैं जिथे बैठा तो कम जिमें कम कर दूंगा। इस करके मैं उस टाइम तो मेरा दिमाग जरा सर कंट्रोल से बाहर हो गया, जिदे करके मैं इनू नंगा करने की जगह मेरे वस हों ना, तो मैं नंगा करके इनू खोते दबा घुमा, ठीक है जी। लेकिन वाकया एक महीना हो गया, कोई पुलिस कंप्लेट लिखवाई थी? हाँ जी सर, ये एक महीना पहला पुलिस कंप्लेट लिखाई थी, ठीक है जी। ये भरा काके तो मैनू बिठाया सगा, तो गुरमीत जो लड़ाई हुई मेरी जो पग लई, तो दोवें भरा तो नाल एक मुंडा होर सगा, मैंने 4-5 जन सर पाए थे, 3 जने ही इन्हें फैमिली लेडीज लूडीज भी आ गई, ठीक है जी। एक महीना पहला दरखास्त मेरी थाना बी डिवीजन ASI हरजीत सिंह को कंप्लेट गई सी, उत्थे मैं यही गल कही थी भावें तुम जाके सर उत्थे हरजीत सिंह ऐसे पुछ भी सोनू ने पग का मसला किया, इन्हें की क्या ही। मैं क्या सर मेरी कोई ना दुश्मनी नहीं आ, मैं सिर्फ अपनी पग मेरी दे दो तो मेरी कोई टेंशन, मेरे सिर सट लगी आ, मैंने वो भी कोई परचा नहीं दिता, कोई प्रॉब्लम मैनू, बस मेरी पग का मसला सर। मेरी प्रशासन मांग आ भी मेरी पग दवाई जाए, ठीक है जी। तो बाकी जिहड़ियां सिख जथेबंदियां मेरी हैल्प करनी चाहुंदियां वा, सिख कौम नूं बचाउणा चाहुंदियां वा, ते सर पग दे बेअदबियां बहुत हो रहियां जे, लोकां ने पग नूं खेड़ बना लिया जे। जे ते सर कोई मेरे नाल खलोऊगा ते इन्नी गरंटी जिथे भी किसे दी पग लथूगी सब तो पहला मैं जाऊँगा उत्थे, जिन्हों कहोगे नंगा करूँगा मैं, इधरों बुरा हाल करूँगा। जे मेरी पग ना मिली इहदे भरा काके नूं मैं गुट वढ के, जे ना घर के बाहर वढ गया तो मैं सोनू कहना छड़ दो, ठीक है जी। बस मेरी पग मैं मिलनी चाहिए सर बस। लेकिन लगता नहीं है कि तुम कानून हाथ च लै रहे हो, कि तुम कह रहे हो कि मैं गोट वढ़ दाँगा, तुम्हें लगता नहीं कि प्रशासन तेरा मतलब तुम्हें यकीन नहीं रहा सर? मैं प्रशासन महीना पहला मेरी गल, मैं प्रशासन महीने में नहीं पग दवाई मेरी, ठीक है जी। ये दसो पहला हूँ कहते पे भी आ करता वो करता सर, मैं इन्ने दिन मैं उस दिन जिदन वीडियो पाई सी मैं उदन भी यही गल यही गल कह सकता हाँ भी मेरी आह गल, ठीक है जी। मेरी कोई ना जाति दुश्मनी, सिर्फ पग का मसला जे, मेरी पग दवाई जाए तो मेरी इन्होंने कोई दुश्मनी नहीं जी। नशा नुशा भी वेचते सर? ये दोवें भरा नशा भी वेचते जे। इन्हें पूछो ना घर कि दुकान करता किरियाने, दस पहला किरियाने दुकान सर इन्हें छड़ी 6 महीने हो गए, ठीक है जी। एक वेचते नशा घर का गुजारा कि तुम दसो पहला, नशे तो बिना रह नहीं सकते। इल्जाम लगा रहे हो नशे का, क्योंकि मैं क्या सर इनवैसटीगेशन की है पूरे महल के, जे नशा ना वेचते हो तो सर मैं तभी कहना मैं जी कानूनी करे वो मैं कर लियो, ठीक है। मेरी पग की जी बनती कार्रवाई इन्हों की जाए, जोड़ा इन्हों मैं कुटिया वो मेरे तक कार्रवाई की जाए, ठीक है जी। मैंने होर सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पग का इंसाफ दवाया जाए बस, इन्नी बहुत बहुत मेहरबानी ताड़ी सर। लेकिन तुम्हें लगता नहीं आला अधिकारियों भी मिले जा सकता? CM साहब है ने, मुख्यमंत्री साहब जिहड़े ने वो ऑलरेडी नशे को लैके बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रहे हैं, कल भी STF वालों एक एक्शन किया गया, तुम्हें लगता नहीं इस तरह के लोगों को तुम कह के इस ठल पा सकते हो? सर अज तो 10 दिन पहला पूरे महल पहला पूछो भी इनू परमजीत सिंह पम्मी SHO चुक के नहीं लै गया जी, इसे केस भी नशा वेचते आ, ठीक है जी। ये भी तुम नहीं तो महल च इनकुआरी होता भी इन चपेड़ा मार मार के खड़े उन्होंने भी दस दे कितों नशे लेना, कितने लिया, कितने वेचना, कितना वेचना। जे अगर सोनू उन्होंने पग मिल जाती तो की फिर वो सरेंडर करा देंगे? मैं क्या मेरी पग उन्होंने दो सर, जो मेरे बंद करो मेरे करो, जो इतने बंद इतने करो, ठीक है जी। तो ये नौजवान है जिस वालों एक नौजवान को बड़ी बुरी तरह के नाल कुटाया मारिया गया सी, उसकी असलीयत जिहड़ी सी वो सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन असी बड़ी मुश्किल नाल इन्हां नाल संपर्क किया, तो इस तो बाद इन्हां दे नाल गलबात भी की। असी पुलिस प्रशासन को भी जानने की कोशिश करांगे कि मामला आया, और खास तौर पर जो पग का मसला आया, क्योंकि लगातार ही पंजाब में बहुत सारे पगां जिहड़ियां ने वो सिख नौजवानों दी लाइया जा रही। बीते दिन जंडियाला गुरु के भी एक जो बुजुर्ग सी उसकी टर्बन जी सी एक प्रवासी वालों लाई गई सी, जिस तो बाद निहंग सिंह जथेबंदियां उत्थे पहुंचिया सा ते कार्रवाई करवाई गई सी। लेकिन सोनू हुणां दा यही आरोप है कि उन्हां दी पग जी वापस दवाई जाए, और जिदन उन्होंने उन्होंने पग वापस मिल जाएगी वो अपने आप नूं सरेंडर भी करवा देंगे।
कैमरामैन जयप्रीत ना गुरप्रीत सिंह फैक्ट न्यूज़। जी सर की सारा मामला होया जरा वीडियो ये जड़ी वीडियो वायरल हुई है ये गुरमीत सिंह वासी शहीद ऊधम सिंह नगर नाम का एक व्यक्ति है वो कुछ व्यक्तियों वालों मारपीट की जाती है तो फिर वो कपड़े उतारे जाते हैं तो वो वीडियो बना के वायरल की जाती है। इस संबंध जिहड़ा असी गुरमीत सिंह जिहड़ा मदेई तुरंत मैडिकल करा के उस दिन ही एफ आई आर दर्ज कर दी गई सी। चार व्यक्तियों के खिलाफ बाई ने एफ आई आर दर्ज है बाकी अणपछाते हैं। वीडियो जी वायरल हुई है एक हफ्ता बाद दोषियों वालों ही लगता वायरल की गई है क्योंकि उन्होंने वालों वीडियो बनाई लगती है तो अं पहला ये कार्रवाई जी कर दी गई सी। ये जो वीडियो वायरल हुई है दसिया जा रहा है कि नशे को लैके नशा तस्कर ने जो आपस नशे का कारोबार करते उन्होंने वालों ये लड़ाई झगड़ा भी किया नहीं जी ये कोई नशे वाले मामला नहीं ये है नशे का कोई कनैक्शन नहीं है इन्हों की आपस निजी लड़ाई है। दस कु दिन पहला जो मदेई गुरमीत सिंह है वो भरा जो काका वो कोई झगड़ा आया मोहतबरा राजीनामा करा दिता से पर दोषी पार्टी वालों मन च रंजिश रखते हुए भरा गुरमीत सिंह जो घेर के सटा मारियां कुटमार की है वो कपड़े उतार के बेइज्जत किया तो वीडियो वायरल की है। गिरफ्तार इस संबंध से 142 नंबर एफ आई आर उस दिन दर्ज कर दी सी तो दोषी जोड़े घरों भगौड़े ने जिन्होंने जल्दी गिरफ़्तार किया जाऊ। अच्छा इतने इन्हों का पहला झगड़ा कितने होगा पहला झगड़ा जो शहीद ऊधम सिंह नगर के घर के लागे जाके कितने होया और मामूली झगड़ा आया राजीनामा इन्होंने कर लिया दोनों तरह कारोबार की कर दूसरी पार्टी का तो अजे नहीं पता लगे की कारोबार करते वक् वक् जगह कोई तरन तरन का रहने वा कई एड्रैस अजे पूरे मुकम्मल पता नहीं लगा पर मदेई बारे पता लगा कि प्रॉपर्टी का काम करता एक भरा काका ही रक्षा चला। इस तरह की वीडियो लगातार वायरल होंगी ने वक् वक् क्रिमिनल तरीके की वीडियो वायरल होंगे ने कि जे इस तरह के लोग ने उन्होंने प्रशासन का डर नहीं है या उन्होंने लगता है कि असी जमानत करा लेंगे बाहर आ जाना कोई देखो जेडे योजे लोग वीडियो वायरल करते वो फिर कानून का भी सामना वो उन्होंने करना पैंता उन्होंने सज़ा भी होंगी है क्योंकि आप ही वीडियो वायरल करके अपने खिलाफ आप जो सबूत है वो जनतक तौर पर नशर करते हैं। अदालत में सबूत पेश किए जाएंगे इन्होंने वो तो सज़ा कराई जाऊगी ता जो दूजे लोगों को मिसाल पैदा कि लोग अगर यह हरकत ना कर।